हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जेडीएस लॉ गुरुजी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ये जो वैक्सीन लग रही है ये कानूनी रूप से सही है या गलत है। काफी लोगों का मेरे पास सवाल आ रहा था कि सर हम ये वैक्सीन ले या ना ले। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये कोरोना की वैक्सीन ले, चाहे कोविशील्ड ले चाहे कोवैक्सीन ले, परंतु जरूर लगाए। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप मजबूत है या ताकतवर है या आप फिट है इसलिए वैक्सीन नहीं लेंगे, अभी तो दूसरों के लिए ले। यदि दूसरा कोई कमजोर होगा तो उसको आपके थ्रू वो वायरस जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों मैं कुछ लोगों को बता दूं कि आपको ये वैक्सीन लेना मैंडेटरी भी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये कह दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कोई भी जबरन किसी को वैक्सीन नहीं लगाएगा। यदि कोई व्यक्ति वैक्सीन नहीं लेना चाह रहा है तो वो नहीं लेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सहमत हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मेरे को अमेरिका की कोर्ट का एक जजमेंट याद आ रहा है जिसमें एक डॉक्टर को जेल हो गया था 7 साल का, क्योंकि उसने एक मरीज को बिना पूछे उसका इलाज कर दिया। यानी उसने कोई ऐसी सुसाइड या कुछ ऐसी अटेम्प्ट कर ली थी कि ऐसी संदिग्ध हालत में हॉस्पिटल में पहुंचा था जहां उसकी मृत्यु होने वाली थी, परंतु उस डॉक्टर ने उसको बड़ी शिद्दत के साथ बचा लिया। और जब वो ठीक हुआ तो कोर्ट में जाकर उसने केस फाइल कर दिया कि इसने मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे बचाया है, तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और डॉक्टर को 7 साल की जेल हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वास्थ्य आपका शरीर और आपका ही अधिकार है, आप उसके साथ जैसा करें, परंतु ये नहीं कि आप दूसरों को उससे नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दे। तो दोस्तों मैं अंत में यही कहूंगा, वैक्सीन जरूर ले अपनी जिम्मेदारी समझते हुए। कानूनी रूप से आपको छूट जरूर है, परंतु आप एक मॉरली तौर पे उसको जरूर ले। तो दोस्तों आपके कुछ सवाल है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, यदि आपके कुछ सुझाव है वो भी हमें जरूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल जेडीएस लॉ गुरुजी, सत्यमेव जयते।